हेलो एवरीवन, मैं हूं आरिफ विद चंदन श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग टेक ज्ञान। हम यहां पर लाए हैं कंप्यूटर एजुकेशन इन अ वेरी सिंपल वे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आप देख रहे हैं RCTC की ओर से ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो अब कंप्यूटर सीखना हुआ बहुत ही आसान, आप घर बैठे वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस यूनिट में हम लोग जो है कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें समझेंगे, जैसे कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, कंप्यूटर के क्या फीचर्स हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में और भी दूसरी रिलेटेड टॉपिक्स कंप्यूटर के बारे में हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का जो टॉपिक है वह है कि आखिर कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो देखिए, कंप्यूटर जो है किसी एक डिवाइस को या किसी एक मशीन को नहीं कहते हैं, बल्कि ये कई सारे मशीन्स का, कई सारे डिवाइसेस का एक कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर कई सारे डिवाइसेस के आपस में मिलने से बनता है। जैसे एक मनुष्य का शरीर जो है इसमें कई सारे ऑर्गेन्स हैं जो साथ में मिलकर काम करते हैं, तब जाके मनुष्य का पूरा शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में कई सारे डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि CPU, जैसे कि हमारा मोनिटर, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, जैसे कि हमारा माउस, जैसे कि हमारा प्रिंटर, जैसे कि हमारा स्पीकर। अब इसमें कई सारे डिवाइसेस जो होती हैं वो कंपलसरी होती हैं और कई सारे डिवाइसेस ऑप्शनल होती हैं। मतलब कहने का ये है कि कई डिवाइसेस ऐसी हैं जिनका कंप्यूटर में होना ज़रूरी है, बगैर उनके कंप्यूटर आपका कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, और कई डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके बगैर भी आपका कंप्यूटर अपने बेसिक कार्य को कर सकता है। तो वो कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? तो नंबर एक पे है हमारा CPU। किसी भी कंप्यूटर में CPU सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि डाटा की सारी कैलकुलेशंस, डाटा का स्टोरेज, डाटा की प्रोसेसिंग वो CPU ही करता है। और बाकी जो डिवाइसेज हैं उनमें डिवाइस नंबर टू हमारा मोनिटर, 3 कीबोर्ड और 4 हमारा माउस है। इन चारों में हम रैंकिंग नहीं रखेंगे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक कंप्यूटर में मॉनिटर का, कीबोर्ड का और माउस का होना आवश्यक है, बगैर इनके हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे। और भी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड रहती हैं, जैसे कि स्पीकर्स, जैसे कि हमारा प्रिंटर, मगर ये ऑप्शनल डिवाइसेस हैं, यानी कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप इन्हें अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, अगर आवश्यकता ना हो तो आप इन्हें नहीं भी रख सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका नाम जो है वह ग्रीक भाषा की कंप्यूट शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा में एक वर्ड है कंप्यूट जिसका मतलब होता है कैलकुलेट, और इसी कंप्यूट वर्ड से लिया गया है कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। जब कंप्यूटर को बनाया गया था सबसे शुरुआत में, तो इसे इस तरह से बनाया गया था कि ये नंबर्स की कैलकुलेशन कर सके, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या अन्य तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कर सके, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर रखा गया, यानी कि कैलकुलेशन करने वाला यंत्र। एक दूसरा डिफिनेशन हमारे पास है, इस डिफिनेशन में है, कह रहा है कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जो अलग अलग कार्य को पूरा करता है, जैसे डाटा की प्रोसेसिंग करना हो, जैसे कैलकुलेशंस करनी हो, गणनाएं करनी हो, जैसे ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग करनी हो, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करनी हो या अन्य तरह की गणनाएं करनी हो, तो हमारा कंप्यूटर वो सारी गणनाएं कर सकता है। तो हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है
जिसका इस्तेमाल अलग अलग ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये हमारी अलग अलग आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। तो एक कंप्यूटर जो है वो दो डिवाइसेस से मिलकर बना है। एक कंप्यूटर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, पहला हार्डवेयर और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर। ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हर कंप्यूटर में होना आवश्यक है। यानी कि हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, और यदि आपके पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नहीं है तो भी आप किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों मिलकर ही कोई भी कार्य पूरा करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर कह रहे कि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर में लगने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, भौतिक पदार्थ, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल चीज़ें कहते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। कह रहा है कि जो उनमें से कुछ डिवाइसेस, कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के केस के अंदर रहते हैं। ये जो हमारा सीपीयू का केस है, कुछ डिवाइसेस इसके अंदर रहती हैं और वहीं पे कुछ डिवाइसेस अलग से बाहर से इसमें कनेक्टेड रहती हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर, जैसे कि हमारा कीबोर्ड, जैसे कि हमारा प्रिंटर, जैसे कि हमारा माउस, ये सारी डिवाइसेस एक्सटर्नली कनेक्टेड रहती हैं। तो ऐसे डिवाइसेस जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। और व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है एक कंप्यूटर के लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, आम जीवन में उनका कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं रहता है। तो कह रहा है कि कंप्यूटर जो है उसे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और वो डायरेक्शन कौन देता है? तो वो डायरेक्शन जो होता है कंप्यूटर को, आपका सॉफ्टवेयर देता है। सॉफ्टवेयर ही वो चीज़ है जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि उसे अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं। जैसे यूजर्स के लिए उसे वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, या डाटा की प्रोसेसिंग करनी है, या कोई भी किसी भी तरह की कैलकुलेशंस करनी हो, ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग करनी हो, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को, कंप्यूटर को कौन देता है? सॉफ्टवेयर देता है। इसलिए एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का होना कंपल्सरी है, आवश्यक है। देखते हैं आगे, हमारे कंप्यूटर में जो है डिवाइसेस कई तरह की लगी होती हैं, कई तरह के हार्डवेयर्स होते हैं, जिनमें दो हार्डवेयर्स ऐसे होते हैं, दो तरह के हार्डवेयर्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल एक यूज़र करता है, और वो है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस लगी रहती हैं जिनका एक आम यूज़र इस्तेमाल करता है। तो देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस से हम किस तरह का कार्य करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस से हम किस तरह का कार्य करते हैं। इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो ऐसे हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के जो यूज़र से, यानी कि हम से कमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं, इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं और कंप्यूटर तक डिलीवर करते हैं, ताकि कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग कर सके। जो काम हम कराना चाहते हैं कंप्यूटर से, कंप्यूटर उस कार्य को पूरा करे, इसके लिए इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल हम करते हैं। किस लिए? ताकि हम अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपने कमांड्स को कंप्यूटर तक पहुंचा सकें। तो कंप्यूटर में कई सारे इनपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस, जैसे कि स्कैनर, माइक, कैमरा, या ऐसे अन्य कई सारी डिवाइसेस होती हैं जिससे हम इनपुट को कंप्यूटर के अंदर पहुँचाते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के वो हार्डवेयर्स हैं जो हमारे काम को, हमारे रिजल्ट को हम तक पहुंचाते हैं, हम तक डिलीवर करते हैं, उन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे हमने कंप्यूटर पे एक फाइल ओपन किया, अब कंप्यूटर जब उस फाइल को ओपन कर देता है तो वो हमें कहाँ दिखाई देता है? तो वह फाइल हमें मोनिटर पर दिखाई देता है। तो मोनिटर यहाँ पर हमारे आउटपुट को हम तक डिलीवर कर रहा है, इसलिए मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसे कई सारे आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर्स में लगी होती हैं, जैसे प्रिंटर्स ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटोज़ वगैरह हम प्रिंट कर सकें, स्पीकर्स ताकि हम जब कोई ऑडियो, कोई म्यूज़िक, कोई मूवी प्ले करें तो हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। ऐसी और भी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर्स में कनेक्टेड रहती हैं और रिजल्ट को हम तक प्रोवाइड करती हैं। बाय द वे, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें
ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे कि हम जानते हैं, आज के समय में कंप्यूटर जो है हमारे आम जीवन के प्रत्येक कार्य में निहित हो गए हैं। इनका इस्तेमाल जनरल लाइफ के हर काम को करने में किया जाता है, जैसे एजुकेशन में, जैसे रेलवे टिकट रिजर्वेशन करनी हो, जैसे ATM मशीन्स में कंप्यूटर्स लगे होते हैं, हर जगह कंप्यूटर्स लगे होते हैं। यहाँ तक कि हमारा जो आज मोबाइल फ़ोन है वो भी एक कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता है, वो भी कंप्यूटर की तकनीक पे ही काम करता है। तो कंप्यूटर आज हमारे लाइफ में हर तरह के कार्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एग्जामिनेशन के फॉर्म्स फिल करने हो। देखते हैं आगे, अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का चरित्र, कंप्यूटर के गुण। आखिर कंप्यूटर के ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी खासियत हैं जिसके कारण कंप्यूटर्स जो हैं इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जो खूबी है कंप्यूटर की, वह है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर जो है एक ऑटोमेटिक मशीन है, यानी कि हम जो भी इसे डाटा देते हैं, जो भी डाटा इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं, यह उसकी ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग करता है और उसका रिजल्ट भी हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है। यानी कि डाटा देने के बाद हमें और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बाद का सारा काम कंप्यूटर खुद कर लेता है। तो ये एक ऑटोमेटिक मशीन है। नेक्स्ट जो इसकी खूबी है, खूबी नंबर दो है, वह है स्पीड। कंप्यूटर की ये सबसे बड़ी खूबी है और यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत ही फास्ट, तेज गति से करता है। ये एक बहुत ही फास्ट डिवाइस है जो भी किसी भी कार्य को सेकंड्स में पूरा कर सकता है। जिस काम को करने के लिए इंसान जो है पूरे साल या पूरा अपना जीवन लगा सकता है, ये उस काम को एक मिनट में, एक सेकंड में पूरा कर सकता है। अब आते हैं कंप्यूटर की अगली खूबी पर, वह है एक्यूरेसी। कंप्यूटर किसी भी कार्य को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ करता है, यानी कि बहुत ही शुद्धता के साथ करता है। यानी कि कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होती है। तो कंप्यूटर एक रिलायबल सोर्स है जिसके द्वारा प्रोवाइड किए गए रिजल्ट को हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। आखिरी जो खूबी है कंप्यूटर की, वह है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है आज्ञाकारी, यानी कि कंप्यूटर जो है वह आज्ञाकारी होता है। जो कार्य हम उसे दें वह उस कार्य को लगातार घंटों तक, दिनों तक बिना किसी एरर के कर सकता है और पूरी शुद्धता के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ वह किसी भी कार्य को पूरा करता है। चाहे उस कार्य को करते हुए उसे 5 मिनट हुए हो, 5 घंटे हुए हो या 5 दिन ही क्यों ना हो जाए, उस कार्य को 100% एक्यूरेसी के साथ करेगा। सो ये हमारा टॉपिक था आज का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम अगले वीडियो इसी तरह से जल्द आपके बीच लाएँ।